हेलो स्टूडेंट्स, हमारे यूट्यूब चैनल एग्जाम फोबिया में आप सभी का स्वागत है और आशा करते हैं आप सभी लोग स्वस्थ और सुरक्षित होंगे। और जैसा कि आप लोग आगामी एग्जाम जो आने वाले हैं उन एग्जामों को देखते हुए हम लोग मैथ और रीजनिंग और जीएससी क्लास आप लोगों को कंटिन्यू दे रहे हैं और आगे भी जो आप लोगों का रिस्पांस आ रहा है, अगर वो रिस्पांस आप लोगों का कंटिन्यू इसी तरीके से बना रहेगा तो हम लोग जो क्लासेस वो तो कंटिन्यू कर ही रहे हैं, बाकी मैथ इंग्लिश और हिंदी की क्लासेस भी आप लोगों के लिए हम लोग जल्दी ही लेके आएंगे। तो जैसा कि पता है आपको, जैसे रीजनिंग में हम लोगों ने पिछली क्लास में एक टॉपिक कंप्लीट कर लिया था स्लॉग, यानी कि न्याय निगमन, और आज की क्लास में हम लोग एक रीजनिंग का नया टॉपिक पढ़ेंगे। उस टॉपिक का नाम है आपका पासा, या इंग्लिश में उसी चीज को हम लोग कहेंगे डाइस। तो देखते हैं क्या किस तरीके से कॉन्सेप्ट इसका है और किस तरीके से एग्जाम में इस पर आधारित क्वेश्चन आएंगे। तो आगे की तरफ बढ़ेंगे हम लोग इस टॉपिक को लेते हुए। तो देखते हैं क्या है नाम, पहले इसका टॉपिक का नाम पासा लिख लेते हैं। पासा यानी कि डाइस, आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो डाइस रहेगा। देखते हैं किस प्रकार का इसका डायग्राम हम लोग बनाते हैं, डायग्राम एक बार देख लेते हैं। तो डायग्राम देखते हैं आपको किस प्रकार से बन के आएगा आपके एग्जाम में। थोड़ा इस डायग्राम के बारे में पहले हम लोग समझेंगे, फिर उसके बाद हम लोग आगे क्वेश्चन जो होंगे उनको लगाएंगे। ये हमारा डाइस का एक डायग्राम बन गया, फिगर बन गया है चित्र, और इसमें आपको बताते हैं क्या क्या चीजें होती हैं। तो जैसा कि आपने देखा है कि लूडो का गेम जो होता है, हम लोग उसको खेलते हैं लूडो का गेम में, तो जो गोटी होती है जिसको हम लोग फेंकते हैं, जिसमें क्या है एक से लेकर छह डिजिट, यानी कि एक से लेकर छह नंबर तक होते हैं, तो वो उसी को हम लोग क्या कहते हैं डाइस कहते हैं, ठीक है। और इसी पर आधार पर क्वेश्चन होंगे। तो आपने उसमें गौर किया होगा जो डाइस होता है उसमें कितने सिक्स सरफेस होंगी, यानी कि छह सतह होती है और प्रत्येक सतह पर एक एक नंबर इंडिकेट किया जाता है। जैसे पहली कोई सतह हो तो उसमें एक नंबर डला हुआ, ऐसे लगातार कहां तक जाते हैं नंबर आपके छह तक, यानी कि हम कह सकते हैं डाइस जो दिया गया उसमें हमें कितनी सरफेस होंगी, तो छह सरफेस होंगी, यानी कि हिंदी में अगर इसको कहा जाए तो सतह। तो सतह देख लेते हैं कौन सी है। अगर हम इसको थोड़ा इस तरीके से और भी क्लियर करके करते हैं, ये हमारा इस तरीके से थोड़ा इसको साफ करके आप थोड़ा एक बार देखिए, ये हमारा 3D फिगर होता है। ये किस तरीके का फिगर है हमारा 3D। तो इसमें हम किसी भी कॉर्नर से अगर देखेंगे, अब ये जो डाइस है इसको हम किस कॉर्नर से, इस कॉर्नर से देख रहे हैं, तो इस डाइस को अगर किसी भी डाइस को हम किसी एक एंगल से देखेंगे तो उसमें तीन ही सरफेस, यानी कि तीन सतह ही उसमें हम देख सकेंगे, ठीक है। तो जैसा कि इस डाइस में हम देख रहे हैं, तो एक तो हमारी फ्रंट यानी कि सामने वाली सतह एक ये हमें दिखाई दे रही है, ठीक है। इस कॉर्नर से अगर हम देख रहे हैं तो एक तो ये सामने वाली सतह हमें दिखाई दे रही है और एक आपकी ऊपरी की ये सतह दिखाई दे रही है, तो दो सतह हो गई, और एक हमारी इस साइड लेफ्ट हैंड की ये सतह दिखाई दे रही है, यानी कि हम कह सकते हैं कि किसी भी कॉर्नर से देख रहे हैं तो तीन ही साइड दिखाई दे रही है और अपोजिट की तीनों साइड हमें नहीं दिखाई देंगी। जैसे फ्रंट दिख रहा है तो इसके बैक साइड का नहीं दिखाई दे रहा है, और आप अगर इसका टॉप देख रहे हैं तो इसका बॉटम साइड नहीं दिखाई देगा, और लेफ्ट हैंड साइड देख रहे हैं तो इसका राइट हैंड साइड नहीं दिखाई देगा। तो हम लिख सकते हैं कि किसी भी डाइस में यानी घन में ये जो पासा दिया गया है इसमें सतह अगर आपसे पूछा जाएगा, सरफेस इंग्लिश में इसको सरफेस कहेंगे और हिंदी में इसको सतह, तो इनकी संख्या अगर आपसे पूछे कितनी होगी आपकी, छह। कितनी संख्या होगी बेटा, छह। आगे की तरफ बढ़ते हैं। अब इसमें क्या होता है, आप इसमें कोने देखिए कि कितने कोने हैं, यानी कि कोने देखा जाए, कोई भी डाइस उठा के देखो, यानी कि कोई भी डाइस होगा उसमें कितने कोने होंगे आपके, तो काउंट कर लेते हैं कितने कोने। कोई रूम है अगर आप चाहो तो रूम देख लो, जिसकी लंबाई और चौड़ाई और ऊंचाई अगर इक्वल है तो वो भी एक डाइस की आकृति का होगा। और किसी भी रूम में अगर आप जाओगे तो रूम में आप कॉर्नर देखोगे तो चार कॉर्नर ऊपर साइड होंगे, चार ही कॉर्नर कहाँ होंगे आपके, नीचे साइड। तो यहाँ पर भी आप देख रहे हैं, अगर चार कॉर्नर, एक दो तीन और चार, ये चार कोने आपके सामने होंगे जस्ट, और जस्ट चार ही इसके क्या होंगे, पीछे साइड। यानी कि अगर देखा जाए तो कोनों की संख्या जो होगी वो कितनी होगी आपकी, आठ होगी। कोनों की संख्या हम लोग लिख लेते हैं, कोने कितने होंगे आपके, आठ। कोनों की जो संख्या होगी वो कितनी होगी आपकी बेटा, आठ होगी, ठीक है। और आगे की तरफ हम लोग, तो कोनों की संख्या कितनी होगी आपकी, आठ, ठीक है। इसको इंग्लिश में हम लोग वर्टेक्स कहते हैं, वर्टेक्स यानी कि ये संख्या जो है कोनों की वो हो गई आपकी आठ। अब देखते हैं कोर यानी कि किनारों की संख्या कितनी होगी, ये जो लाइनें हैं किनारे इनकी संख्या पूछी गई है, इसको हम लोग कोरे बोलते हैं या किनारे भी कह सकते हैं।
तो किनारों की जो संख्या हो गई, यानी कि ये जो संख्या हो गई कितनी, अब देख लेते हैं। तो यहां पर एक, ये यहां से यहां तक दो तीन और चार, तो एक साइड में चार पीछे कितने आठ हो गए, और ऊपर दो किनारों पर होंगे, यानी कि टोटल बारह होंगे। कितने बारह, अगर किसी कमरे में आप बैठते हो तो किनारे अगर देखोगे, यानी कि दीवारें दो जिन किनारों पे साइड पे मिलती हैं, अगर दो दीवारें जिस सरफेस में मिलेंगी आपके, वो आपके क्या कहलाएंगी, कोरे या किनारे कहलाएंगे। तो इनकी संख्या कितनी होती है, तो इनकी संख्या हमारी होती है बारह। कितनी संख्या होती है इनकी, बारह। और इनको इंग्लिश में हम लोग क्या कहते हैं, तो एजेस। क्या कहते हैं, एजेस। ये वर्टेक्स होगा और ये हमारे एजेस। तो कह सकते हैं किसी भी पासे में आपकी कितनी सतह होंगी बेटा, तो छह सतह होंगी, ठीक है। और छह जो सतह होंगी सब पे एक एक नंबर डला होगा, जैसे मान लो एक यहां डला हुआ है, छह यहां डला हुआ है, तीन यहां डला हुआ है, इस तरीके से अगर नंबर डले हुए हैं, एक डला है, सॉरी एक डला है, पांच डला हुआ है, तीन डला हुआ है, तो तीन दिख रहे हैं, तो तीन सरफेस पे कोई नंबर डला हुआ है, तीन सरफेस आपको नहीं दिखा रही है, उन पे कोई नंबर डला होगा। तो आप एक बार देखेंगे सतहों की संख्या कितनी होगी आपकी, छह, जिन पे कोई ना कोई नंबर डला होगा वो सतह होती है। कोनों की संख्या, यानी कि जो कॉर्नर है बिल्कुल, इनकी संख्या कितनी होगी आपकी, आठ, ठीक है। और किनारों की संख्या कितनी होगी आपकी, तो बारह। अब देखते हैं ये किस तरह प्रकार के होते हैं। तो हम अगर देखा जाए तो पासे की अगर बात करते हैं, तो पासा अगर इस पर आधारित कोई भी क्वेश्चन आता है, तो पासे हमारे दो प्रकार के होते हैं। पहला हमारा होगा आदर्श पासा, आदर्श पासा, इंग्लिश में इसको स्टैंडर्डाइज बोलते हैं, स्टैंडर्डाइज। और दूसरा और हमारा होता है आदर्श पासा भी कह सकते हैं, इसको मानक पासा भी कहते हैं इंग्लिश में, इसको स्टैंडर्डाइज। और दूसरा होता है, इसको हम लोग कहते हैं साधारण पासा, साधारण पासा, यानी कि साधारण पासा है और स्टैंडर्डाइज, दो तरीके के हमारे पास से हो गए, ठीक है। तो जो भी क्वेश्चन आएगा वो इन्हीं पर आधारित आएगा। तो स्टैंडर्डाइज क्या होते हैं समझ लेते हैं इसको हम लोग, यानी कि आदर्श पासा किसे कहते हैं। तो जो लूडो है, जो लूडो हम लोग खेलते हैं, वो हमारा एक स्टैंडर्डाइज होता है, यानी कि आदर्श पासा होता है। क्या प्रॉपर्टी है इसकी, तो प्रॉपर्टी देखने के लिए क्या करना है, दो अपोजिट साइड, यानी कि देखा जाए दो विपरीत, दो विपरीत सतह अगर है और दोनों विपरीत सतह पर आने वाले अंकों का योग टोटल कितना होना चाहिए बेटा, सात। कितना होना चाहिए, सात होना चाहिए। तो सात अगर होगा तो इसका मतलब ये हमारा डाइस जो होगा वो कैसा होगा, स्टैंडर्ड, यानी कि आदर्श पासा होगा। जैसे हम देख लेते हैं, डायग्राम बनाया गया है, इस डायग्राम में हमने नंबर को पुट किया है, तो वन लिखा हुआ है। अब वन हमारा कहां लिखा है, टॉप में, इसका मतलब बॉटम नहीं दिख रहा है, तो बॉटम में कितना नंबर होगा आपका, तो सिक्स होगा। तो वन और सिक्स मिलकर कितना हो जाएगा आपका, सेवन। फाइव आपको फ्रंट दिख रहा है, इसका बैक नहीं दिख रहा है, तो बैक में कितना होगा आपका, टू। तो फाइव और टू मिलकर कितना होगा आपका, सेवन। ये भी तो थ्री दिख रहा है लेफ्ट हैंड साइड पे, राइट हैंड साइड नहीं दिखाई दे रहा है, इसका मतलब थ्री और फोर। तो इसका मतलब जो भी अपोजिट साइड है, दोनों अपोजिट साइड पर आने वाले अंकों का योग कितना हो गया हमारा, सेवन। तो कह सकते हैं जो डाइस बना हुआ है, ये हमारा जो पासा बना हुआ है, किस तरीके का पासा है, तो ये एक आदर्श पासा है। कैसा पासा है, तो हमारा आदर्श पासा, ठीक है। आगे की तरफ पढ़ते हैं। अब इसी क्रम में अगर आपसे ये पूछे साधारण पासा क्या होता है, तो साधारण पासे में क्या है कि कंपलसरी नहीं है कि दो अपोजिट साइड पे आने वाले अंकों का योग सेवन हो, ठीक है। तो यानी कि ये नहीं कह सकते कि दो अपोजिट साइड पे आने वाले अंकों का योग सेवन हो भी सकता है या नहीं हो सकता है। तो इस तरीके से हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो यहां जैसे इसी को हम लोग रब करके देखते हैं, तो यहां पर ये तो आदर्श पासा हो चुका था, अभी आगे की तरफ बढ़ते हैं। मान लो यहां लिखा हुआ है फोर, ये लिखा हुआ है थ्री और ये लिखा हुआ है टू। अब इस तरीके का कोई पासा है जो हमारे द्वारा खुद के द्वारा निर्मित किया गया है और उसमें हमने नंबरिंग अगर करी है, तो जब नंबरिंग अगर हमने की है तो नंबरिंग के आधार पर हम देखेंगे फोर लिखा हुआ है, और फोर के अपोजिट में, यानी फोर हमारा क्या लिखा हुआ है, टॉप में। तो इसका मतलब इसका बॉटम में जो आना चाहिए नंबर, वो कितना आना चाहिए था, थ्री, पर यहां थ्री क्या हमारा लेफ्ट में दे रखा है, यानी कि दोनों सरफेस जो हमें सामने दिख रही है इनका योग पर ही सेवन हो गया, यानी कि अपोजिट साइड में सेवन नहीं होगा। तो इस तरीके का अगर कोई डाइस आ रहा है जिसमें सामने ही कोई अंक हमें जो रिप्रेजेंट कर रहे हैं, यानी दर्शा रहे हैं,
उनका योग अगर 7 आ गया तो हमारा किस प्रकार का पासा होगा, तो साधारण पासा होगा, नहीं सिंपल टाइज होगा, ठीक है। तो ये हमारा जो पासा बन गया वो किस तरीके का है, साधारण पासा। इस प्रकार से हम लोगों ने समझा है कि पासा जो है वो किस प्रकार से बनाया जाता है, 6 सरफेस होती है, ठीक है, 8 कोने होते हैं उसमें और 12 कोरे। एग्जाम में डायरेक्ट ही कभी बार पूछ लिया जाता है किसी आदर्श पासे में विपरीत सतह के अंकों का योग कितना होता है, विपरीत सतह पर आने वाले अंकों का योग कितना होता है, तो आप बता सकोगे बेटा कितना होता है, 7। अगर आदर्श डाइस है तो 7 और स्टैंडर्ड डाइस नहीं है, यानी कि आदर्श पासा नहीं है, तो कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो इस तरीके से ये जो डाइस की प्रॉपर्टी है आप थोड़ा देखिए, और इसी पर आधारित जो क्वेश्चन है उनकी तरफ हम लोग आगे की तरफ बढ़ेंगे कि एग्जामिनर किस तरह से क्वेश्चन पूछेगा, ठीक है। जैसा कि अभी हम लोगों ने देखा कि पासे में क्या प्रॉपर्टी है और उसी पर आधारित क्वेश्चन करते हैं, तो थोड़ा और समझ लेते हैं उसके बारे में क्या है। जैसे ये आकृति दी गई है, ये भी पासे की और ये भी नीचे, दोनों पासे की आकृति है। क्वेश्चन आपको इस फॉर्मेट में भी दे सकते हैं और इस फॉर्मेट में, यहाँ पर भी आपको 3 सरफेस दिख रही है, ये सामने, एक ऊपर और एक इस साइड, 3 सरफेस दिख रही है। ऐसे ही इसी डाइस में जो है क्लियर कर दिया गया, बिल्कुल सरफेस जो दिख रही है, एक आपकी ये टॉप दिख रही है और एक ये दिख रहा है और ये, तो इसका मतलब किसी प्रकार की कोई आकृति आ रही तो उसमें सिर्फ 3 ही सरफेस आपको दिखाई देगी, तो 1, 2 और 3। अब देखो क्वेश्चन किस आधार पर पूछेगा वो आपसे, यानी कि आप जो क्वेश्चन का टाइप होगा, तो यानी कि टाइप 1 अगर हम देखते हैं, तो जब एक डाइस, सिर्फ एक पासा दिया जाए, कितने पासे, जब आपको वो एक पासा ही दे, एक पासा देता है, एक पासा देगा और किसी भी सतह पर आने वाले, किसी भी सतह, सतह का मतलब समझ रहे हैं आप लोग, यानी कोई भी एक सरफेस है, इस सतह पर आने वाले जो अंक होगा उसका विपरीत अंक पूछेगा आपसे, क्या कहेगा कि विपरीत अंक ज्ञात करो। तो जब एक पासा दिया जाए तब आपसे किसी भी सतह पर आने वाले कोई भी अंक होगा उस पर आप, उसके विपरीत अंक जो आने वाला है उस पर आपको नंबर पूछेगा कौन सा आएगा। जैसे मान लो ये 2 तरीके का इसमें भी आपको क्वेश्चन आएगा, कौन कौन सा, जब आपका आदर्श पासा आएगा, आदर्श पासा, और जब आपका साधारण पासा है, तो 2 कंडीशन होगी, एक साधारण पासे की होगी और एक आदर्श पासा। तो साधारण पासा में क्या होता है आपको बता दिया था अभी, जैसे ये जो पासा बना हुआ है, एक एग्जांपल, इस पासे में 3 आपको सरफेस दिख रही है, तो यहां 6 हो गया, 3 हो गया और 2, ये आपका आदर्श पासा यानी कि स्टैंडर्डाइज है। कैसे पता लगेगा, तो 6 दिख रहा है इसके अपोजिट में, मैंने क्या कहा था कि 2 विपरीत सतहों का योग कितना होगा आपका, 7 होगा, तो 6 दिख रहा है इसका मतलब इसमें 1 नहीं दिख रहा है, और 6 और 1 का प्लस कितना होगा, 7। 3 दिख रहा है, 4 नहीं दिख रहा है, ठीक है, 2 दिख रहा है तो इसमें क्या है हमारा, 5 नहीं दिख रहा है, यानी कि अपोजिट साइड का सम कितना होगा आपका, 7। तो इस प्रकार का जो भी ये पासा आएगा वो हमारा क्या होगा, स्टैंडर्डाइज, यानी कि हिंदी में कहा जाए तो आदर्श पासा। अब साधारण पासा क्या है, ये हमारे द्वारा निर्मित किया गया होता है, किसी भी प्रकार का पासा हो, ये बना है, ठीक है, नंबरिंग कर लेते हैं इसमें 6, 1 और 2। ये अब देखो इसमें क्या है, जैसे हमें पता है सामने की सरफेस पे ही कितना हो गया, 7 हो गया, सामने की 2 सरफेस पे हमें क्या दिख रहा है, 7। इसका मतलब कह सकते हैं कि 6 के अपोजिट वैसे 1 होना चाहिए था, ये टॉप है तो बॉटम में होना चाहिए था 1, पर यहां पर ये क्या है, लेफ्ट हैंड साइड में बंद दे रखा है। इसका मतलब ये जो डाइस है वो स्टैंडर्डाइज, यानी कि साधारण पासा स्टैंडर्डाइज नहीं है और ये हमारा स्टैंडर्डाइज है। अब इस तरीके का क्वेश्चन आया आपसे और पूछा जाए आपको कि 6 के विपरीत क्या होगा, विपरीत में कौन सा अंक होगा, तो दोनों ही क्वेश्चन को हम देखते हैं किस प्रकार से सॉल्व करे जाएंगे। 6 के अपोजिट पूछा है तो स्टैंडर्डाइज है बेटा, तो पता है सब लोगों को 6 के अपोजिट कौन होगा आपका, 1, क्योंकि स्टैंडर्डाइज यानी कि आदर्श पासा होने पर अपोजिट साइड का क्या होना चाहिए, सम 7, तो 6 के अपोजिट क्या हो गया, 1, और 2 के अपोजिट पूछता तो कितना हो जाता, 5, और 3 के अपोजिट पूछता तो कितना हो जाता आपका, 4। पर ऐसा इसमें नहीं होगा,
इसमें ये डाइस मेरे द्वारा निर्मित किया गया है और किसी प्रकार से सामने की तो तीन सरफेस दिख रही हैं, पर इसके अपोजिट की तीन जो साइड हैं वो हमें नहीं दिख रही हैं। तो हम ये कहेंगे अगर इसमें आपसे पूछेगा कि छह के अपोजिट कौन सा होगा तो हम क्या आंसर देंगे, तो इसमें कौन कौन सी साइड आपको नहीं दिख रही है, कौन कौन सी अंक आपको नहीं दिख रहे हैं, तो आपको पता है बेटा इसमें कौन नहीं दिख रहा है, तीन नहीं दिख रहा है, पांच नहीं दिख रहा है और आपका चार, यानी कि तीन अंक आपको नहीं दिख रहे, तीन पांच और चार। अब ये डाइस तो मेरे द्वारा निर्मित किया गया है तो मैं ये कह सकता हूं हो सकता है कि छह के अपोजिट में बेटा तीन हो जाए, या हो सकता है छह के अपोजिट में कौन हो जाए पांच, या हो सकता है छह के अपोजिट में चार। तो ये कह सकते हैं सीधे सीधे कि तीनों में से कोई भी अंक छह के अपोजिट में आ सकता है। तो आपसे अगर पूछा जाए कि छह के विपरीत में क्या होगा तो आप कह सकते हैं कि तीन हो सकता है, पांच हो सकता है या चार, तो कोई भी अंक आ सकता है, यानी कि खुद के द्वारा निर्मित करा गया है। तो ये एक साधारण पासा है, तो इसका मतलब इसका आंसर हो जाएगा तीन कॉमा पांच या चार में से कोई भी अंक आपके छह के विपरीत में आ सकता है। ठीक है, तो ये कंडीशन हो गई तब जब टाइप फर्स्ट हमने देखा। इस टाइप फर्स्ट में क्या था कि जब सिर्फ आपको एक ही डाइस दिया जाए, कितने डाइस दिए जाए एक। अब हम देखेंगे दो डाइस और दो से अधिक डाइस, तो दो डाइस और दो से अधिक डाइस आने पर हम किसी भी अंक के विपरीत में कौन सा अंक आएगा इसके बारे में पता करते हैं किस प्रकार। ठीक है, ठीक है, देखते हैं हम लोग आगे की तरफ बढ़ते हैं। तो टाइप फर्स्ट हो चुका है, टाइप हमारा कौन सा रहेगा सेकंड। तो टाइप सेकंड में क्या है कि जब कोई डाइस आपको दिए जाए, कितने डाइस दिए जाए तो दो डाइस। देखिए क्या है कि एक डाइस जो फेंका जाएगा उसकी दो आकृतियां आपको दी जाएगी, कितनी आकृतियां दो, डाइस एक ही रहेगा पर फेंकने का जो क्रम है उसका दो बार। तो क्वेश्चन ऐसे बोलेगा किसी भी पासे को दो विभिन्न प्रकार से फेंका जाता है और उसके जो सतह पर आने वाले अंक निम्न प्रकार से प्रदर्शित हैं, तो इसके विपरीत में कौन सा अंक आएगा। तो आप देख लेते हैं जब दो डाइस की सतह आपको दी जाएगी दो प्रकार की आकृतियां, तो पहला बना लेते हैं किस प्रकार से इसको, ठीक है दोस्त, एक डाइस आपको फेंका गया है, इस डाइस को दो प्रकार से रिप्रेजेंट किया गया है, नंबर देख लेते हैं, तीन डला हुआ है, दो डला हुआ है और छह, और आपका छह डला हुआ है, चार डला हुआ है, एक। यानी कि अगर एक ही पासे को हम दो प्रकार से फेंके, एक हमारा पासा है, किस प्रकार का पासा है तो ध्यान रखना, अगर आपको पता है कि छह और एक अगर सामने आ गया, यानी कि सामने की सतह पर अगर सात दिख गया टोटल, तो इसका मतलब ये स्टैंडर्ड डाइस नहीं है और एग्जामिनर जो भी है वो स्टैंडर्ड डाइस अगर क्वेश्चन देगा तो आपको देख लेना है कि सतह आपकी अगर इक्वल नहीं हो रही है सेवन के तो वो स्टैंडर्ड डाइस नहीं है। ठीक है, आप देख लेते हैं आगे किस प्रकार से सॉल्व करना है। तो आपको बोलेगा एक पासा दो प्रकार से फेंका गया और दोनों प्रकार से फेंकने पर पूछ रहा है कि अंक एक के विपरीत में, अंक एक के विपरीत में कौन सा अंक होगा, कौन सा अंक होगा, आपसे एक के विपरीत पूछ रहा है। तो सबसे पहला काम क्या चेक करना है कि दोनों ही पासे में जो दोनों जो आकृतियां दी हैं पासे की, उसमें से ये देखेंगे कि कोई भी एक सतह जो है वो कॉमन है कि नहीं, सबसे पहला काम। या दो से अधिक भी अगर आपको डाइस दिए जाएंगे तो आपको सिर्फ एक चीज सबसे पहले देखनी है कि ऐसे दो डाइस उठाओ, यानी कि ऐसे दो डाइस को देखो जिनमें कम से कम एक आकृति, कम से कम एक आपका अंक होगा वो समान होना चाहिए, एक अंक कैसा हो समान। तो देख लेते हैं दोनों डाइस में कौन सा अंक समान है, तो यहां पर छह इसमें भी दे रखा है और छह इसमें भी, तो दोनों में आपका क्या है छह, और कॉमन वाला जो छह होगा इसको हम लोग लिख लेते हैं, छह यहां लिख लिया छह यहां। अब आगे की तरफ बढ़ते हैं, क्या प्रोसेस करनी है देखना है। तो छह रखने के बाद दोनों के इक्वल में यहां छह रख लीजिए, यहां पर आप पहले वाली आकृति में आइए, तो पहली वाली आकृति में जब हम आएंगे तो छह ही रहा। अब छह से या तो क्लॉकवाइज आप घूमिए या एंटी क्लॉकवाइज, जैसे आपको अच्छा लगे क्लॉकवाइज घूमिए या एंटी क्लॉकवाइज। तो अगर हम क्लॉकवाइज घूमें क्योंकि हमेशा एंटी क्लॉकवाइज क्लॉकवाइज चलिए, ठीक है, तो क्लॉकवाइज अगर आप घूमते हैं तो छह के बाद में क्लॉकवाइज या घड़ी इस तरह से अगर चलेंगे माने, तो छह के बाद में कौन सा नंबर आएगा दो, तो हम दो को लिख लेंगे, उसके बाद दो के बाद कौन सा अंक है हमारा तीन, तो फिर तीन को लिख लेते हैं,
तो देख लीजिए बेटा, पहले 6 लिखा, उसके बाद क्लॉकवाइज बढ़े तो 2 लिखा, और फिर 2 के बाद कौन सा नंबर आ गया हमारा 3। अब इस बारे आकृति में आ जाइए, तो इस आकृति में हम देखते हैं 6 ये लिखा हमारा, तो 6 हमने यहां लिख लिया, कॉमन वाला कॉमन वाले के जस्ट नीचे रखकर आगे की तरफ बढ़ेंगे तो इसमें भी, जैसे हम इसमें क्लॉकवाइज चले थे तो इसमें भी क्लॉकवाइज चलेंगे, तो क्लॉकवाइज चलेंगे, और अगर आप इसमें एंटी क्लॉकवाइज चल रहे हैं घड़ी की उल्टी दिशा में चल रहे हैं तो इस वाली आकृति में आप घड़ी की उल्टी दिशा में ही रखेंगे अंकों को। तो यहां आप जैसे यहां 6 के आगे बढ़ेंगे क्लॉकवाइज कितना नंबर आएगा 1, तो हम लिख लेते हैं 1। आगे की तरफ बढ़ेंगे तो 1 के बाद कौन सा नंबर आया हमारा 4, ये आपका नंबर हो गया। अब आपको दिख रहा है यहां पे 5 नंबर दिख रहे हैं हमें, 6 दिख रहा है, 2 दिख रहा है, 3, 4 और 1, एक कोई नंबर मिसिंग है, कौन सा नंबर मिसिंग है, तो इसमें कौन सा नंबर नहीं है आपका 5 नहीं है, कौन सा नंबर नहीं है 5। तो ये नंबर हमारे सारे नंबर हो गए, 6 पूरे नंबर हो चुके, 1, 2, 3, 4, 5 और 6। अब देखते हैं किस प्रकार से हमें आंसर देना है, तो हम ये कहेंगे जो 6 लिखा हुआ है इसके अपोजिट कौन होगा आपका 5, 6 के अपोजिट बेटा कौन हो जाएगा 5, और 2 के अपोजिट कौन हो जाएगा 1, और 3 के अपोजिट कौन हो जाएगा आपका 4। तो इस प्रकार से अगर आपसे कोई भी नंबर पूछे तो आप तुरंत उसका अपोजिट बता सकते हो, जैसे इसमें पूछा गया था आपको 1 का अपोजिट क्या होगा, 1 हमारा ये रहा, और 1 के अपोजिट में कौन है आपका 2, तो हम इसका आंसर जो है वो क्या देंगे आपको 2। तो 1 का अपोजिट कौन सा आंसर हो गया हमारा 2, ठीक है। तो ये जब एक पासे की 2 आकृतियां दी जाए और जिसमें सिर्फ 1 सतह आपकी कैसी हो कॉमन हो, और इस तरीके से उसका हम लोग आंसर देंगे। आगे की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है, देखते हैं, ठीक है, देखिए बेटा आगे ये क्वेश्चन जो लिखा हुआ है इसमें हमने कितने आपको एक डाइस कोई फेंका गया, यानी कि एक पासा कोई फेंका गया है और 6 4 तरीके से फेंका गया, कितने तरीके से आपका 4, यानी कि 4 डाइस नहीं है, डाइस तो एक ही है, इसको फेंकने का जो क्रम है वो आपका 4 तरीके 4 बार में फेंका गया। पहली बार जब इसको फेंका गया तो ये सरफेस सामने दिख रही है आपको, पता है अभी मैंने क्या बताया था, जब कोई भी डाइस आप फेंकोगे और उसको किसी एक कॉर्नर से देखोगे, किसी एक कोने से देखोगे तो उसमें आपको पता है कितनी सरफेस दिखाई देंगी, तो 3। जैसे इस डाइस में हमने आपको बताया था कि यहां से अगर देख रहे हो तो ऊपर लेफ्ट और फ्रंट 3 दिखाई देंगे, तो एक डाइस को 4 प्रकार से फेंका गया और चारों प्रकार में अलग अलग अंक जो है वो सामने सरफेस में हमें दिखाई दे रहे हैं। अब आपसे ये पूछेगा क्वेश्चन में कि आपसे ये पूछेगा 2 के विपरीत, अंक 2 के विपरीत या किसी भी अंक के पूछा जाए आपसे, तो आपको यहां पर हम ये पूछ रहे हैं कि 2 के विपरीत में कौन सा अंक होगा। आप देखें कैसे करना है इस तरीके क्वेश्चन को आपको, तो सबसे पहले ये देखिए कि 2 ऐसे आकृतियां चुनिए, इसमें कितनी 2 आकृतियां, तो 2 आकृतियां कोई ऐसी चुनिए जिसमें एक ही सरफेस कॉमन हो, कितनी सरफेस कॉमन हो 1 सरफेस, तो 1 सरफेस कॉमन वाली आकृति देखते हैं। तो इन दोनों में अगर एक बार चेक करेंगे तो यहां 4 है, यहां पर भी 4 है, यहां 5 है, यहां पर भी 5 आ गया, यानी कि इसमें 2 है और इसमें भी 2 अंक कॉमन हो गए, हमें कितना चाहिए 1 अंक कॉमन होना चाहिए कम से कम 1। तो इन दोनों को अगर चेक कर लेते हैं कितना है 4 है 6 है 5 है, ना तो इसमें 4 है ना इसमें 6 है और ना इसमें 5, तो इसका मतलब इससे भी नहीं काम करने वाला है। अब पहले वाले को और चौथे वाले को ले लीजिए, तो देखो जरा इसमें 4 है इसमें 4 नहीं है, 5 है 5 भी नहीं है, इसमें 6 है इसमें और इसमें भी आपको कितना है 6, तो इसका मतलब पता लग गया कि 2 आपको जो आकृतियां हैं पहली वाली और चौथी वाली आकृतियों में एक सरफेस आपकी यानी कि एक सतह कॉमन है, तो हम इन दोनों को ले लेते हैं, पहली वाली को और कौन से चौथे नंबर, यानी कि पहला और चौथी अगर आकृति लेंगे तो हमें जो कॉमन सरफेस है, हमने अभी क्या बताया था आपको कि कॉमन सरफेस वालों को सब एक साथ ऊपर नीचे रख दिया, 6 कॉमन है इसमें और इसमें भी, तो 6 यहां रख दिया, 6 यहां इक्वल टू का साइन यहां पर, यहां पर। अब इस बारे डाइस में हम क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज, अभी हम क्लॉकवाइज चले थे, इस बार हम एंटी क्लॉकवाइज करके दिखाएंगे, तो एंटी क्लॉकवाइज इस तरीके से घड़ी की उल्टी दिशा, घड़ी की उल्टी दिशा में चलेंगे तो 6 के बाद कौन सा नंबर आएगा आपका 5, अब 5 के बाद बेटा कौन सा आ गया आपका 4, 5 के बाद कौन सा आ गया आपका 4। अब दूसरे इस बार लेंगे तो ये 6 इसमें भी आप एंटी क्लॉकवाइज चलिए उल्टा, तो 6 के बाद कौन सा नंबर आया आपका 1 आ गया, और 1 के बाद बेटा कौन सा नंबर आ गया आपका 2 आ गया,
तो इस तरीके से ये सारे नंबर आपने लिख दिए हैं, सिर्फ एक नंबर इसमें से गायब है, कौन सा आपका तीन, उसको हम लोग लिख दिया गया छह के नीचे। अब आपसे कोई भी अगर पूछेगा कि चार के अपोजिट क्या होगा तो आप बता दो बेटा दो होगा, पांच के अपोजिट में क्या होगा तो एक होगा, और छह के अपोजिट में क्या होगा आपका तीन होगा। तो कोई भी अगर सरप्राइज आपसे पूछ रहा है बता सकते हो कि इस अंक के अपोजिट में ये अंक, इस अंक के अपोजिट में ये अंक, और इस अंक के अपोजिट में ये अंक। तो हमसे क्या पूछा गया था कि दो के विपरीत क्या होगा, दो हमारा यहाँ दो के अपोजिट में कौन हो गया हमारा चार, तो कह सकते हैं इसका आंसर जो हो जाएगा इस क्वेश्चन का हमारा क्या हो जाएगा चार। तो दो के अपोजिट में कौन मिल गया हमें चार। तो अगर आपको दो या दो से ज्यादा कितनी भी आपको अगर आकृतियां दी जाए एक डाइस की, तो आपको कम से कम एक सरफेस वाला कॉमन देखना है कि एक सरफेस कॉमन हो, और उसको आप लोग देखेंगे और उसके आधार पर इस तरीके से आप क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से आप क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे। आगे की तरफ हम लोग बढ़ते हैं एक टाइम, ठीक है, जैसा कि हम लोगों ने देखा है। अब आगे की तरफ बढ़ते हैं, तो ये कोई पासा है इसको फेंका गया है, और इस पासे में ये दो बार आकृति है, दो बार आकृति जो दर्शाएगी किसी पासे की, यानी लिखा भी है जब कोई डाइस फेंका गया उसकी दो सतह कैसी होंगी एक समान, तो हम क्या करेंगे, तो ये जो पासा है इसमें दो आकृति आपने दिखाई है, दो सरफेस पे आने वाले अंक कैसे आपके एक समान है, जैसे यहाँ दो लिखा है पांच, तो यहाँ पर भी दो और पांच यानी कि सेम है, और बाकी जो एक बची हुई सरफेस है यहाँ पर एक लिखा है यहाँ पर तीन। तो इस प्रकार का अगर कोई भी क्वेश्चन आपको आता है तो आप आंसर क्या देंगे, आपसे अगर पूछा जाए कि तीन के विपरीत में कौन सा अंक आएगा, तो तीन के विपरीत में आने वाला अंक जो होगा, तो यहां पर ये देखेंगे कि जो दोनों आपके जो एक समान है इनको आप एक अलग रखेंगे, और जो बचा हुआ ये आकृति है ये इसके अपोजिट हो जाएगी, यानी कह सकेंगे कि तीन के अपोजिट में कौन सा अंक होगा आपका एक, क्योंकि ये पता है यहां पर दो और पांच दिख रहा है, और अपोजिट की दो साइड आपकी नहीं दिख रही है कौन सी, तो आप देख लेंगे कि यहां पर दो और पांच के अपोजिट में, दो और पांच, ये दो रहा और ये पांच रहा, इनके अपोजिट में कौन से अंक नहीं दिखाई दे रहे आपको, तो छह और आपका चार, छह और चार जो अंक है वो नहीं दिखाई दे रहे। तो हम कह सकेंगे अगर आपसे ये पूछा जाए कि दो के विपरीत कौन सा अंक होगा, दो के विपरीत, तो हम कहेंगे कि छह और चार में कोई भी अंक जो है वो दो के विपरीत हो सकता है, या तो छह होगा या चार। और इसी प्रकार अगर पांच के विपरीत पूछेगा आपसे, तो पांच के विपरीत में भी हम यही कहेंगे कि छह और चार में से कोई भी अंक आपका पांच के विपरीत भी हो सकेंगे। तो हम कहेंगे देखो अगर आपसे पूछेगा एक के अपोजिट क्या होगा, तो तीन हो जाएगा, यानी कि तीन के अपोजिट एक और एक के अपोजिट तीन, और बाकी जो दो सरफेस एक जैसी इनके अपोजिट में जो नहीं दिखाई दे रहे हैं, यानी कि दो और पांच के अपोजिट में कौन ही दिखाई दे रहा है, छह और चार, तो दो के अपोजिट में छह और चार में से कोई भी अंक हो सकता है, पांच के अपोजिट में भी छह और चार में से कोई भी अंक हो सकता है। तो इस प्रकार से कोई भी क्वेश्चन अगर आपका आता है डाइस से संबंधित, तो आप उसको आसानी से कर सकते हो, और किसी प्रकार की अगर कोई समस्या आती है किसी क्वेश्चन में अगर आप अटक रहे हो, तो हमारे कमेंट बॉक्स में उस क्वेश्चन को आप साझा करिए, और हम इसका सॉल्यूशन आपके पास करते हैं, भेजते हैं। और धन्यवाद, और थोड़ा हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर करिए, और आशा करते हैं आगे की तरफ आप लोग बढ़ते रहें। ठीक है, धन्यवाद।